हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल संगीत शिक्षा इन हिंदी। बेल आइकन को जरूर दबाएं हमारा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संगीत शिक्षा हिंदी में। मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत बहुत हमारे संगीत ट्यूटोरियल्स में। और आज मैं आपके लेके आऊँ राग बिहाग। राग बिहाग का इससे पहले मैं ट्यूटोरियल दे चुका हूँ जिसमें मैंने बंदिश बताई थी कहना जा रहे जा रहे जा रहे सावरिया। तो ये बंदिश और मैं गाया करता था, बीच में मैंने आपको सुनाई है। छलिया नटवर नंद किशोर मोए हीरे मोरा बड़ा चित चोर। काफी लोगों को ये पसंद आई है तो इनकी फरमाइश पर मैंने तैयार किया है। तो तीन ताल में निबद्ध है, क्लासिकल बंदिश है, राग बिहाग में है। और राग बिहाग का परिचय मैंने नहीं बताया है, सीधा पार्ट वन इसकी बंदिश की स्वरलिपि और पार्ट टू बंदिश का गायन। दूसरी बात, इस बंदिश का अगर आपको या इस राग का आपको पूर्ण परिचय जानना है तो राग बिहाग के ट्यूटोरियल में आप जान सकते हैं। मेरे चैनल पे आप सर्च करें आपको मिलेगा पूर्ण परिचय, इसमें थाट से संबंधित और वादी संवादी और आरोह अवरोह से संबंधित आपको मिलेगा थ्योरी में। और गायन के पार्ट में तो मैं आरोह अवरोह पकड़ तो गाऊंगा ही, वो तो मैं बताऊंगा और बंदिश भी आपको गा के सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं राग बिहाग बंदिश पर भी। छोटा ख्याल है, स्थाई दो लाइनें हैं, अंतरे दो लाइनें हैं और ताल तीन ताल है। मतलब इसके शब्द की रचना मेरे द्वारा की गई और इसके स्वरों की रचना मेरे गुरुजी पंडित महेशचंद जैन साहब के द्वारा की गई है। पार्ट वन है तो चलिए शुरू करते हैं तीन ताल मध्यले में। तो मुख्य बोल है, छलिया नटवर नंद किशोर मोए हिये मोरा बड़ा चित चोर। ये स्थाई के बोल है, छलिया नटवर नंद किशोर मोहे हिये मोरा बड़ा चित चोर। अब अंतरे के बोल है, मोर मुकुट और कानन कुंडल मुरली धर माखन का चोर। ये अंतरे के बोल है, मोर मुकुट और कानन कुंडल मुरली धर माखन का चोर। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी स्वरलिपि। स्वरलिपि तार सप्तक से शुरू हो रही है इसकी बंदिश। तो सानी धापा मापा गामा गा गा गामा गा रे सासा। जो मा पा के साथ है वो तीनमा ही प्रयोग होगा हमेशा। सानी धापा मापा गामा गा गा गामा गा रे सासा। नीसा गामा पामा गामा पानी धापा मापा गामा गा रे सा। ये पूरा दुगुन पाठ है चार मात्रा तक। मापा गामा गा रे सा एक मा इसमें शुरू का तीव्र मध्यम है। फिर से देखिए, सानी धापा मापा गामा गागा गामा गारे सासा। दूसरी लाइन है, नीसा गामा नी मंत्र का है, नीसा गामा पामा गामा पानी धापा मापा गामा गारे सासा। तो ये स्थाई की स्वरलिपि हुई। इसके शब्दों का विस्तार करते हैं। छलिया नटवर नंद किशोर छलिया नटवर नंद किशोर मोहे हिये मोरा बड़ा चित चोर। पूरा ये दुगुन तक है। अब देखिए अंतरे की स्वरलिपि, गामा पा नी नी सा 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 सारे सासा। ये आखिरी के दो विभाग तार सप्तक के हैं। गामा पा नी नी सा 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 सारे सासा। नीसा गारे सानी धापा मापा गामा गामा पामा गारे सा। ये मापा गामा जो है मा ये तीव्र है। नीसा गारे तार सप्तक में जा रहा है। नीसा गारे सानी धापा मापा गामा गामा पामा गारे सा गारे सासा सॉरी। अब इसके शब्द देखिए, मोर मुकुट और कानन कुंडल मोर मुकुट और कानन कुंडल मुरली धर माखन का चोर। और पूरा सॉरी अब अग्रे नहीं है, का आ चोर मतलब दुगुन नहीं है। मुरली धर माखन का चोर। तो ये पूरी बंदिश ट्यूटोरियल में आपको बताया। इसकी सम नौवीं मात्रा पर ही है, 03 x 2 खाली से शुरू हो रही है बंदिश और इसकी सम नौवीं मात्रा पर ही है अंतरे स्थाई दोनों में। तो ये इसका पूर्ण मैंने आपको बंदिश का परिचय बताया, पूर्ण विस्तार करके बताया स्वरलिपि बंदिश की। इसके बाद इसका बंदिश गायन मैं आपको बताऊंगा। और राग बिहाग का अगर आपको पूर्ण परिचय जानना हो तो आप इसके बिहाग के ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। सो आई होप यू विल लाइक इट, सो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।